हे गाइस, कैसे हैं? आज हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए जानें कि ये क्या होता है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। कभी-कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। आइए उदाहरण देखें। जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। जिसमें बहुत खतरा हो, खतरनाक। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जिसमें बल न हो, निर्बल। जो कभी न मरे, अमर। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो अन्न उगाता हो, किसान। जो सुन नहीं सकता हो, बधिर। जो बोल नहीं सकता हो, मूक। कविता लिखने वाला, कवि। कविता लिखने वाली, कवित्री। शहर में रहने वाला, शहरी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। केवल शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। केवल फल खाने वाला, फलाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। शाक सब्जी व मांस दोनों खाने वाला, सर्वाहारी। जहां वस्तुओं का संग्रह होता हो, संग्रहालय। जहां पुस्तकों का संग्रह होता है, पुस्तकालय। जो सेना में काम करे, सैनिक। जो प्रतिदिन होता है, दैनिक। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो महीने में एक बार हो, मासिक। जो साल में एक बार हो, वार्षिक। जो रोगी की चिकित्सा करे, चिकित्सक। जहां इलाज के लिए जाते हैं, चिकित्सालय। जो टाला न जा सके, अटल। जिसके दिल में दया ना हो, निर्दयी। जिसके दिल में दया हो, दयालु। जिसकी प्रशंसा की जाए, प्रशंसनीय। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। जो अपने देश का हो, स्वदेशी। जो अपने देश का ना हो, विदेशी। आज हमने अपने इस वीडियो में सीखा 35 प्रकार के वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में।